Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। अब मैं आराम से ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूं। गुंजन को यहीं बनारस में छोड़कर। बहुत अलग किस्म की लड़की है। वो हमेशा बड़े शहर में पली बड़ी है। आप गलत मत समझिए। दयाल साहब हैं, घर में और भी लोग हैं। पता नहीं गुंजन का यहाँ रहना उनको कैसा लगेगा। आप इस सब की चिंता मत कीजिए। हम हैं ना, ये फैसला हमारा है और हमें पूरा यकीन है कि घर में सब मान जाएंगे। और गुंजन इस घर में मेहमान नहीं, इस परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी। ये हमारा आपसे वादा है। शायद स्नेहा सही थी। गुंजन को आपसे अच्छी माँ कहाँ मिलेगी। गुंजन का यहीं बनारस में रहना के लिए सही रहेगा। बस वादा कीजिए, आप हमारी गुंजन की जिम्मेदारी लेंगे। हम वादा करते हैं, हम गुंजन को हमेशा अपने पास रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। समझ लीजिए, जाओ ना आप यहां से, जाओ, गो अवे, गो। हम यहाँ किसी और के घर में क्यों रुकेंगे? हाय माइक। या आई एम फाइन। इतनी जल्दी? थोड़े दिन बाद नहीं हो सकता? I mean, मैं इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता। इट्स ओके, लेकिन All right. Thanks, Mike. Yeah. तो आप नहीं समझ पाए कि मुझे यहाँ नहीं रुकना। बेटा धीरे बोलो, हम किसी और के घर पर हैं। बेटा और रही होटल में रहने की बात, तो रिश्तेदारों का घर होते हुए हम होटल में कैसे रह सकते हैं? नहीं हो सकता ना बेटा। ठीक है पापा, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक ही रात की बात है ना, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन जब मैंने कहा था कि मैं अपनी पैकिंग खुद करूंगी, तब नहीं बेटा, तुम आराम करो, हम कर देते हैं। और अब देखो, उन्होंने मेरी जरूरत की एक भी चीज पैक नहीं की। बेटा बेटा, आप मुझे बताइए ना, मैं लेके आता हूँ। रहने दो पापा, आप क्या समझोगे मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। And you are right, आप कभी मुझे मम्मा की तरह समझ ही नहीं सकते। कहाँ रखा है, यही होना चाहिए। कैसी पैकिंग किया है, रिसीवीज मिल ही नहीं रही। बेटा क्या ढूंढ रही हो? पापा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ। अच्छा सो जाओ। और ये अलमारी, तुम इसमें अपना सामान वगैरह रख सकती हो। दराज भी है और कुछ हैंगर्स भी लगे हुए। और ये अलमारी की चाबी। लिसन, ये सब मैं खुद समझ लूंगी, अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ कुछ चाहिए हो तो एक बार आवाज देना, हम आ जाएंगे। ठीक है, चलो डोलो भैया। जेन, कोई कहीं नहीं जाएगा बेटा, ये तुम्हारा भी घर है,
हम सब तुम्हारे परिवार वाले हैं। कोई अपने घर को छोड़कर बाहर रहने नहीं जाता बेटा। रचना, गुंजन को कमरे में ले जाओ। छोटी सी उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया है, यही सबसे बड़ी चोट होती है। आओ गुंजन बेटा, आओ बैठो, बैठो बेटा, आराम से बैठो, बैठो। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। शर्माना मत। हाँ हाँ, जैसे रचना हमारी बेटी है वैसे तुम भी हमारी बेटी हो। मॉम कहीं चली गई तो कहीं चली गई तो चली गई। चलो बेटा, सपने सुहाने तुम्हारी मम्मा का आखिरी सफर। अच्छे से विदा कर दे। अगर यूनिवर्स की मॉम कहीं चली गई तो? अरे ऐसे कैसे, आपको तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। आइए, चलो बेटा। 3 दिन हमें 3 साल की तरह लग रहे थे गुंजन। ये घर एकदम सोना हो गया, बिल्कुल सन्नाटा। अब मेरे इस घर की रौनक और खुशी वापस आ गई। पर मैंने तो आपको जरा सा भी मिस नहीं किया। वहां पे 3 दिन ना कैसे कट गए पता ही नहीं चला मम्मा। और हाँ, आपकी तो याद मुझे बिल्कुल नहीं आई। कोई बात नहीं बच्चू, एक दिन जब मम्मा कहीं चली जाएगी ना, तब तुम मम्मा को मिस करो, तब तुम मम्मा को मिस करो, तब तुम मम्मा को मिस करो, तब तुम मम्मा को मिस करो। आ जाएंगे, तुम घबराओ मत। हम घबरा नहीं रहे, बस तुम एक बार हमारी मम्मी को देख ले, उन पर क्या गुजरी होगी। और जब हम गुंजन के बारे में सोचते हैं, क्या हाल होगा उसका। यहाँ 1 हफ्ता हम मम्मी के बिना जी नहीं सकते, और वह गुंजन, गुंजन को पूरी जिंदगी से हम उसी के बिना कैसे काटेगी वो एक एक दिन, एक एक रात। सोच कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।